Hey guys, good morning. Welcome back in the Hindu editorial analysis as of 4th of July. और मैं हूँ रामन विश्नोई, आपके लिए सेशन लेकर आता हूँ. तो इस सेशन की पीडीएफ और ट्रांसक्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं raceofrajasthan.com. ये वेबसाइट है, यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें. इसके अलावा ट्विटर हैंडल का आपको पता है, यहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ, तो डेफिनेटली डेली बेसिस पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो एजेंडा, सबसे पहले एजेंडा लेते हैं कि क्वेश्चन लेंगे लास्ट सेशन के, उसके बाद आज के एडिटोरियल की बात करेंगे. फैक्ट फाइल के अंदर आज हम बात करेंगे गोल्डन क्रेसेंट की, ठीक है. तो ये कई बार न्यूज़ के अंदर रहता है और इससे जुड़ी हुई बात करेंगे कि ये बेसिकली क्या है और किस वजह से ये पॉपुलर है, तो इसके बारे में डिटेल लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे. तो कल हमने बात करी थी कि ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि मल्लिमत कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. तो कल एक आर्टिकल हमने डिस्कशन किया था जिसके अंदर जो जस्टिस सिस्टम है, इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है, उसकी हम बात कर रहे थे. तो उसी रिफॉर्म के ऊपर और इसी के ऊपर जो ये कमेटी बनी थी 2003 के अंदर, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन को अभी जो गवर्नमेंट है वो ये बात कर रही है कि हम इसको रिकन्सिडर करेंगे. तो बेसिकली ये मल्लिमत कमेटी क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर बनी थी, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर ये इनकी रिकमेंडेशन थी, बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी. और इनकी रिकमेंडेशन जो है वो अगर इम्प्लीमेंट कर ली जाए तो डेफिनेटली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अभी जो प्रिवेलिंग इश्यूज है वो डेफिनेटली, जो शॉर्टकमिंग्स है उनको डेफिनेटली ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है. तो कल हमने फैक्ट फाइल के अंदर बात करी थी, तो डेफिनेटली बेरिंग स्ट्रेट की हमने बात करी थी कि बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है यूएसए एंड रशिया को, और बेरिंग स्ट्रेट इंटरनेशनल डेडलाइन के जो है सबसे नज़दीक है, ठीक है. तो इसको थोड़ा फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैप के अंदर देख लेना, ध्यान रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है टैक्स बायंसी रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंज इन द जीडीपी, ठीक है. तो कल हमने बात करी थी कि 1% ऑफ चेंज इन जीडीपी कितना परसेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल 1% ऑफ रेवेन्यू के अंदर अगर चेंज कर रहा है तो दैट इज नोन एज टैक्स बायंसी. और अगर ये इंक्रीज होता है तो इसके अंदर हम कहेंगे कि टैक्स बायंसी इंक्रीज हो रही है, तो टैक्स बायंसी के ऊपर कल हमने बात करी थी. दूसरा स्टेटमेंट है कि टैक्स इलास्टिसिटी रेफर्स टू द चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन द रेस्पॉन्स ऑफ चेंजेस इन द टैक्स रेट, ठीक है. तो ये टैक्स इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है. तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया. तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या करती है कि इलास्टिसिटी का मतलब ये हो गया कि सिंपल सा, अगर आप टैक्स के अंदर चेंज कर रहे हो, टैक्स अगर बढ़ा रहे हो, तो उसके प्रपोर्शन के अंदर और टैक्स का रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कितना चेंज हो रहा है. रेवेन्यू कलेक्शन मतलब आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हो तो रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसको टैक्स इलास्टिसिटी कहते हैं. तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है. तो ये बिल्कुल देखना है. नेक्स्ट, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा था, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, ठीक है. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपनी ओपिनियन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो सोसाइटी का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी इस तरीके के जो आंसर आप लिखते हो जो कि ओपन एंडेड आंसर होते हैं, ठीक है. ओपन एंडेड आंसर का क्या होता है कि कोई फिक्स आंसर नहीं होता, आपको अपनी ओपिनियन, आपको अपनी विजडम के हिसाब से इनका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो इनकी आंसर राइटिंग में आप क्या करो कि डेफिनेटली इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ नेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इंडिया की हम डेफिनेटली बात करेंगे, और इंडिया की इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको बात करनी है. तो सोसाइटी का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो डेफिनेटली साइंटिफिक टेम्पर की यहाँ पे कहाँ पे बात होती है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप बात करोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर यहाँ पे बात होती है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है. ये फंडामेंटल ड्यूटी डेफिनेटली जो है एक सोसाइटी की, एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है. तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे जो है एक रीजनिंग सोसाइटी के अंदर रीजनिंग डेवलप होगी, रीजनिंग के साथ में एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी, रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी, और रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी जो है वो लिबरल और नॉर्म्स के रूल बेस्ड ऑर्डर को जो फॉलो करने के लिए वो तैयार रहेगी, ना कि जो है आप जो अंधविश्वास और इस तरीके की जो चीज़ें होती है उनको फॉलो करें. तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेफिनेटली जो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है. तो इसके अंदर आप इंडिया के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के अंदर आप बात करोगे तो हिस्ट्री के अंदर जो नेशन बिल्डर्स थे इन्होंने हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी है. आप
इनके अंदर राजा राम मोहन राय का उदाहरण दे सकते हो कि उन्होंने जो है इनिशियली बात करी थी कि सोसाइटी के अंदर जो है वो साइंटिफिक इनोवेशन और इस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। आप जो आगे आके इसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर नेहरू जी की बात कर सकते हो, गांधी जी की बात कर सकते हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के अंदर आप बात कर सकते हो कि DPSP के अंदर भी इससे जुड़ी हुई बातें रखेगी, फिर ओवर द टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करते हो कि क्या क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने डेवलप किया है। उसके बाद जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के से जुड़ी हुई हम बात कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर सिटीजन की ये बात होती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आप साइंस पढ़ेंगे तभी होगा। एक टेम्परामेंट जो है इंसान का कि जो वो रीजनिंग का साइंस के अंदर जो है हम एक्सपेरिमेंट और जो रूल बेस्ड जिसके अंदर आप एविडेंस बेस्ड जो है आप रीजनिंग करते हो तो वो टेम्परामेंट डेफिनेटली डेवलप होगा। तो इसके अंदर जो है एक जो सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेलिंग डिस्कोर्स है और जो प्रिवेलिंग जो इश्यूज है उनको डेफिनेटली रिजोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आज के एडिटोरियल के अंदर बात हो रही है। एडिटोरियल के अंदर इस पर्टिकुलर पेज से जो है डिस्कशन करने के लिए कुछ खास नहीं है तो इसको पूरा हम स्ट्रक डाउन करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरव्यू है और बाकी काम की चीज़ कुछ है नहीं। यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर इंडिया और USA के रिलेशनशिप को लेकर बात हो रही है, इंडिया और USA के रिलेशनशिप को लेकर बात हो रही है। अभी आपको पता है कि 2+2 डायलॉग जो होने वाला था वो डायलॉग USA की तरफ से होल्ड पे रख दिया गया है, उसको जो है वेटिंग में रख दिया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि क्या इंडिया और USA के रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको लेके बात करेंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा आर्टिकल और बड़ा ही डाइवर्स नेचर का आर्टिकल आया जिसके अंदर कबीर की बात हुई है, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें करेंगे, भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई बात करेंगे, कबीर जी से जुड़ी हुई और डिटेल के अंदर बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये पर्टिकुलर आर्टिकल, इस आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल जनरली कम आते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अगेन जो बात हो रही है कि जो कावेरी वाटर है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर जो अथॉरिटी डेवलपमेंट करी गई है जिसके अंदर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज CWMA जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रपोज्ड स्कीम थी उसके अंदर ये डेवलप करी गई है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि ये एक अच्छी बिगनिंग है बट अभी आगे इसका जो डिस्कोर्स है आपको पता होगा कि कर्नाटक अभी वापस लिटिगेशन के लिए जा रहा है तो यहाँ पे इसको लेके बात हो रही है तो इसको लेके हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बात अफगानिस्तान की हुई है। अफगानिस्तान के अंदर अभी जो है रिसेंटली फिर से अटैक्स हुए हैं और माइनॉरिटी खासकर जो हिंदू एंड सिख माइनॉरिटी है उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और वो अटैक कौन कर रहा है, ISIS, ठीक है। तो अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ऑलरेडी जो अनस्टेबल सोसाइटी अनस्टेबल पॉलिटिकल रेजिम चल रही थी और वहाँ पे यूनिलैटरली यहाँ पे जहाँ कहाँ टॉक की बात हो रही थी कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ बात करेगा और इस तरीके से हो सकता है पीसफुल प्रोसेस डेवलप हो जाए बट यहाँ पे अब ISIS वहाँ पे एंट्री मार रहा है और ISIS इस तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा है। जहाँ पे अभी रिसेंटली जो है एक सिख लीडर थे जो माइनॉरिटी के ओनली सिख लीडर थे उनको जो है असासिनेशन उनका हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज जो है वो वहाँ पे कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो चलते हैं आज के कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर। डिस्कशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं बायलेटरल रिलेशनशिप की, ठीक है। तो अभी इस टॉक को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो जो है जो लीडर USA के लीडर अभी जो ट्रंप है और इंडिया के जो लीडर है मोदी, इनकी रिलेशनशिप कैसे डिस्कोर्स चेंज हुआ है और पहले जो है रिलेशनशिप का क्या डिस्कोर्स था, ठीक है। तो पहले की रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर टाइम में तो डेफिनेटली इंडिया और USA का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओवर द टाइम USA जो है सैंक्शंस लगाता था और जब पोखरण 2 हुआ उसके बाद में भी USA ने लार्ज स्केल पे सैंक्शन लगाए बट उसके बाद में जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने और लास्टली जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो इन तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन्होंने बड़े चेंजेस किए और इंडिया को जो है इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दी और इंडिया से जुड़े हुए आपको पता होगा कि जो 123 सिविलियन जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो हुआ, वो USA ने अपनी टर्म और रेफरेंस और अपनी जो जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हुए USA को वहाँ पे न्यूक्लियर रिजीम के अंडर एकोमोडेट किया तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था। तो ओवर द टाइम इंडिया जो है USA की साइड टिल्ट हो रहा था, डिफेंस पार्टनरशिप हो रही थी, इंडिया जो लार्ज स्केल पर डिफेंस हार्डवेयर भी USA से प्रोक्योर कर रहा था। अब इन द मेन टाइम जो है यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब
यूएसए इंडिया का जब पार्टनर लार्ज स्केल पे नहीं था तो रशिया उसकी जगह लिया हुआ था, तो जैसे जैसे यूएसए का यहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे रशिया का जो है, रशिया के और इंडिया के जो रिलेशनशिप के अंदर जो है थोड़ा वाइड जो जो रिलेशनशिप है वो वाइडर होने लगे, पहली बात ये। अब रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ये हुआ कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो ये देखा जाने लगा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप ओवर द टाइम और स्ट्रेंथन होंगे। बट और इसके साथ में जो है दो तीन चीज़ें भी डेवलप हुई थी जिसके अंदर लग रहा था कि चीज़ें जो है डेवलप होगी, क्योंकि जो इंडिया को एकोमोडेट किया गया था अफगानिस्तान पॉलिसी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर क्लियर कट बात करी गई कि थी कि इंडिया भी जो है उसका कंसल्टेशन का एक मेंबर होगा, इंडिया का भी जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता। दूसरा पाकिस्तान को लेके जो हार्डलाइनर अप्रोच थी उसके अंदर बताया जाता था कि इंडिया का बड़ा रोल है और इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूएसए एक्ट कर रहा है। बट अभी ओवर द टाइम अगर देखा जाए, रिसेंटली दो तीन डेवलपमेंट हुए तो उस हिसाब से ये जो पॉलिसीज है वो थोड़ी रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। अब ये अभी इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द पोस्टपोनमेंट ऑफ इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। अब लास्ट जुलाई के अंदर ये प्रपोजल रखा गया था 2+2 डायलॉग प्रोसेस का। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों कमांडली पार्टिसिपेट करके एक जो डेलीगेशन करती है और डेलीगेशन और डेलीब्रेशन होता है, और इसके अंदर और इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जाता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री अगर कोऑर्डिनेटेड वे में डेफिनेटली करेगी तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को नए आयाम देता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस तरीके की चीज जो है वाइड स्केल पे करने वाले थे और इसको बड़ा बूस्ट दिया गया था, अब जब इसको डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए चैलेंज है। अब इसको क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे दो रीजन है। यूएसए की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी अभी सबसे पहली बात तो जो है इंडिया नहीं है। इसके अंदर अभी एक रिसेंटली यूएसए के डिप्लोमेट की एक स्टेटमेंट भी आया था, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, इंडिया के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि यूएसए के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स है वो डेली सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में इंडिया रहता है। इंडिया के लिए अभी जो है यूएसए के अंदर प्रायोरिटी नहीं है, इंडिया की जो है यूएसए के अंदर इंडिया प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है, पहली बात। तो डेफिनेटली यूएसए की प्रायोरिटी अभी जो है नॉर्थ कोरिया और रशिया। नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ अभी उनके समिट हुई थी, डी न्यूक्लियराइजेशन को लेकर बात हो रही थी, जिसको वो डेफिनेटली अपनी बहुत बड़ी अपने एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा अभी पुतिन के साथ इनकी समिट होने वाली है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इनकी समिट होने वाली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप यूएसए अपने रिलेशनशिप कैलिब्रेट कर रहा है, अपनी पॉलिसीज अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा ट्रेड की बात होती है तो ट्रेड के अंदर यूएसए ओवर द टाइम चाइना और इंडिया को ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही ब्रैकेट में रखता आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है बार बार जब जब भी इंटेलेक्चुअल आईपीआर की बात करी कि आईपीआर रेजिम को कंप्लाई नहीं करता है तो उसके अंदर इंडिया और चाइना को एक ही साथ रख के देखा गया है। दूसरा अगर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को लेकर अगर बात हो, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को लेकर अगर बात हो तो उसके अंदर भी उन्होंने चाइना और इंडिया को जो है एक ही साथ रख के देखा। तो ये चीजें इंडिया के लिए कंड्यूसिव नहीं है, डेफिनेटली इंडिया को जो अपना डिस्कोर्स डेफिनेटली अपना डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को अपने हिसाब से आगे रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंडिया के लिए क्या इंडिया कैसे कैलिब्रेट करेगा और यूएसए कैसे कैलिब्रेट कर रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो इंडिया कैलिब्रेट कर रहा है यूएसए रशिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यूएसए का हल्का सा यूएसए की साइड हल्का सा टिल्ट हुआ तो इस साइड जो है रशिया और चाइना के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आने लगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि एससीओ समिट हुई या फिर जो शांग्रीला डायलॉग हुआ था, शांग्रीला डायलॉग के अंदर क्लियरली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली मेंशन किया कि इंडिया जो है किसी भी कंट्री या किसी भी ग्रुप के पीछे नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो हमारी पॉलिसी जो है रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर हम पॉलिसी फॉलो करते हैं, और जिसके अंदर यूएसए ने कहा था कि अभी जो है उसकी जो पैसिफिक कमांड है उसको इंडो पैसिफिक कमांड की उन्होंने नाम दिया और कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया के साथ वो कोऑपरेशन करके जो मैरिटाइम इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो इंडिया जो है उस चीज़ को डिनाई करता है क्योंकि इंडिया को पता है कि इंडिया के रिलेशनशिप नॉट ओनली यूएसए, रशिया के साथ रिलेशनशिप एज वेल एज चाइना के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और
इसी चीज का, यूएसए की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसी चीज का फायदा अभी चाइना और रशिया डेफिनेटली उठा रहे हैं, और उसका जो है खामियाजा डेफिनेटली इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। अब यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूएसए के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रशिया, रशिया तो स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा चाइना जो है, चाइना के साथ उनकी ट्रेड वार्स हो रही है, ट्रेड वार्स हो रही है। दूसरा चाइना जब जो यूएसए का जो प्लेस है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे चाइना अपने आप को देख रहा है, तो यूएसए पूरी पॉलिसी चाइना ओरिएंटेड करके बैठा है। और दूसरा पाकिस्तान का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान थ्रू आउट द टाइम कोल्ड वार यूएसए का एलाई कंट्री रहा है, और उसके साथ में जब यूएसए अभी हार्ड स्टैंड ले रहा है तो अब वो हार्ड स्टैंड उसका दिख नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे वो हार्ड स्टैंड उसका दिख नहीं रहा है। वहां पे पाकिस्तान की पॉलिसीज और पाकिस्तान का जो है सपोर्ट सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, और कम्प्लीटली जो है पाकिस्तान को आइसोलेशन जो देखा जा रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, वो आइसोलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंडिया को इस पूरी जो गर्मा गर्मी के अंदर, पूरी गहमा गहमी के अंदर दिक्कत, इंडिया को जरूरत है कि इसको रिकैलिब्रेट करें रिलेशनशिप रशिया के साथ, अपने रिलेशनशिप रिकैलिब्रेट करें एज वेल एज चाइना के साथ करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज के लिए साथ में एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस डेवलप करें जिससे कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो लर्निंग के अंदर हम बात करेंगे 2+2 डायलॉग की। तो 2+2 डायलॉग क्या है, इट इज ए न्यू डायलॉग फॉर्मेट वॉज एग्रीड टू बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएस इन 2017, ये एग्री हुआ था। तो इसी का ही पोस्टपोन को लेके हम बात करें, इट वाज रिप्लेस्ड अर्लियर इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग, ये दो अलग अलग हुए करते थे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक तो डिफेंस मिनिस्टर्स का होता था और कमर्शियल डायलॉग जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का होता था और जो फॉरेन मिनिस्टर का होता था। इट इज सिमिलर टू इंडिया जापान 2+2 डायलॉग, ऐसा नहीं है कि ये 2+2 डायलॉग पहली बार हो रहा है, इंडिया जापान का ऑलरेडी ये डायलॉग फॉर्मेट प्लेस अपनी जगह पे, फॉरेन एंड डिफेंस सेक्रेटरीज ऑफ टू कंट्रीज यहाँ पे बात करती है। 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एम्स टू एनहेंस स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज एंड मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये इसका टारगेट है। इट विल पुट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप एट फोर फ्रंट एंड सेंट्रल स्टेज, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। बेसिकली आर्टिकल के अंदर तो बात हो रही है कि जो कबीर है उनकी पॉलिसी, उनकी फिलॉसफी और इनके जो इनके काम को लेके बात हो रही है, और पूरा इनके इनके ऊपर अभी तक क्या रिसर्च हुआ है, एकेडमिया के अंदर क्या हो रहा है, इसको लेके बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे अच्छी है जो कि हमें कैरी करने वाली है। यहाँ पे इन्होंने जो है ओवर द टाइम जो सारे रिलीजन्स है, इन्होंने एग्जाम्पल लिया हिंदुइज्म का, इन्होंने एग्जाम्पल लिया मुस्लिम्स का और क्रिश्चियनिटी का, ओवर द टाइम जैनिज्म का, बुद्धिज्म का। उन्होंने यह कहा है कि ऑल रिलीजन्स के अंदर कबीर को सराहा गया और कबीर की जो फिलॉसफी है वो अडॉप्ट करी गई है। ठीक है, कबीर के जो दो है, कबीर की जो सेइंग्स है उनको अडॉप्ट किया है, कबीर की जो एक टिपिकल एक वे ऑफ जो लिविंग था उसको हर रिलीजन के अंदर अडॉप्ट किया गया अलग अलग तरीके से। इवन दो इन्होंने एग्जांपल दिया कि पारसीज के अंदर भी जो है इस तरीके की चीज़ें अडॉप्ट करी गई है। तो ये एक क्या है, डेफिनेटली हम जब भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं और एक सोशल अपब्रिंगिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस तरीके के एग्जाम्पल ध्यान में रखें। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि ओवर द वर्ल्ड एकेडमी के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कबीर कौन थे, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कबीर वॉज द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंदा। रामानंदा जो है सबसे पहले भक्ति मूवमेंट का जो स्टार्ट किया था, भक्ति मूवमेंट के जो प्रोपोनेंट थे दैट वॉज रामानंदा, और इनके जो है मोस्ट फेमस डिसाइपल थे। कबीर एम वॉज टू रीयूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड फॉर्म हारमोनी बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये वो टाइम था 15वीं और 16वीं शताब्दी का जब टाइम था, उस टाइम जो है हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स के अंदर दोनों के इंडिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट थे और दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे। तो उस टाइम जो है इन्होंने इस तरीके का जो है ये डिस्कोर्स चालू किया। हिज फॉलोअर्स वॉज कॉल्ड कबीरपंथी, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कबीरपंथी कहा जाता है। इन 14th एंड 15th सेंचुरी रामानंदा, कबीर एंड नानक रिमेंड द ग्रेट अपोस्टल इन द ऑफ द कबीर भक्ति कल्ट। दे एडेड द कॉमन पीपल टू शेड एज ओल्ड सुपरस्टिशन एंड अटेंड सालवेशन थ्रू भक्ति और प्योर डिवोशन। ठीक है, तो इन्होंने सुपरस्टिशन को कम्प्लीटली डिस्करेज किया और इन्होंने ये कहा कि सालवेशन जो है भक्ति और प्योर डिवोशन के साथ में जो है डेफिनेटली आप सालवेशन अटेंड कर सकते हो।
ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑल फॉर्म ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ये चीजें पूछी जाती है। बीजक सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली एंड अनुराग सागर आर कंपोजिशन ऑफ कबीर, ये कबीर के कंपोजिशन है। द हॉलमार्क ऑफ कबीर्स वर्क कंसिस्ट ऑफ हिज टू लाइन कॉपलेट्स, जो दोहा, ठीक है, कबीरदास जी के दोहे बहुत फेमस है, स्कूल की जो भी बुक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर दोहे बिल्कुल आपने पढ़े होंगे। तो ये डेफिनेटली बहुत ही शानदार इनकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग को बहुत ही सिंपल वे के अंदर डेफिसेट यहाँ पे करते हैं। अब भक्ति कल्ट का इंडिया के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो साउथ इंडिया से भक्ति कल्ट स्टार्ट हुआ था इनिशियली और ये ओवर द टाइम पूरे इंडिया के अंदर फैल गया। तो कौन कौन इनके प्रोपोनेंट थे, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको लेनी है तो स्टार्ट यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ इंडिया में यहाँ पे 9th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है, 9th सेंचुरी और उसके बाद में 11th सेंचुरी, उसके बाद में यहाँ ऊपर आप जाओगे तो 15th-16th सेंचुरी के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो भक्ति कल्ट पूरा फैल गया था। और यहाँ पे जो है मैन हर स्टेट के जो है आप देख सकते हो, गुरु नानक यहाँ पे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट था, दादू राजस्थान के अंदर, मीराबाई नरसिंह मेहता गुजरात के अंदर, संत तुकाराम नामदेव जो है महाराष्ट्र के अंदर फेमस थे, इसी तरीके से साउथ इंडिया के अंदर रामानुजा नमावलार और मनिकावल सागर ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जो सेंट्रल इंडिया के अंदर रामानंदा, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास ये फेमस हुआ करते थे। अब ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो चैतन्य देवा और इधर ईस्ट इंडिया के अंदर शंकरा देवा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इनका जो ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है, ये पूछी जा सकती है और कौन कहाँ से, कौन पर्टिकुलर किस रीजन से है और इनकी क्या जो खास बात है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर सकते हो। तो भक्ति मूवमेंट को कम्प्लीटली आप डिटेल के अंदर पढ़ें कि भक्ति मूवमेंट क्या था, कौन कौन इसके प्रोपोनेंट थे, कहाँ कहाँ से ये करते थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी बनी है उसका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड ये था कि जो कावेरी वाटर जो ट्राइब्यूनल बना था, ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड आया था 2007 में उसको चैलेंज किया गया, चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अभी ऑर्डर दिए थे, अभी सेंटर को ये रेगुलेशन बनाने के लिए कहा था कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी रिवर का ये होना चाहिए, कावेरी रिवर जो है वो नेशनल एसेट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इक्विटेबल एंड अपोर्शनमेंट जो है वो होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, ठीक है। अब इस अथॉरिटी के अंदर बेसिकली जो है जो भी स्टेट्स के अंदर वाटर शेयरिंग होती है इनके सबके मेंबर रहेंगे, उनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग होती है और हर 10 दिनों के अंदर इसकी मीटिंग होती है और वाटर शेयरिंग के लेके डेफिनेटली डेटा इनका हर स्टेट से डेटा कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि सारे स्टेट को जब इस तरीके का अब स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके की मैकेनिज्म बन गई, तो सभी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, पॉजिटिव वे के अंदर इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और डेफिनेटली ये जो मैकेनिज्म बनी है इसको हेल्प करनी चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर जो अल्टीमेटली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है और ये अभी जो लिटिगेशन का जो प्रोसेस चल रहा था पिछले 20 साल से वो प्रोसेस अभी खत्म हो जाए। बट अभी इश्यू क्या है, आपको पता होगा रिसेंटली कर्नाटका के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट वापस से कह रही है कि हम वापस कोर्ट के अंदर जाएंगे और इसके अंदर ये इश्यू रेज कर रहे हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स का जो सिलेक्शन है वो पार्लियामेंट के अंदर वो जो है वो डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये एक जस्टिफाइड और ये सही एक तरीका नहीं है, इस तरीके से लिटिगेशन अगर चलता रहेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर आने वाले टाइम में डेफिनेटली इश्यू होगा। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि ये बेसिकली ये उसके खिलाफ भी है कि इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग जो सेंटर का जो इश्यू है जिसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है और वो उस प्रैक्टिस के हिसाब से बार बार लिटिगेशन होना जो है वो सही एक तरीका नहीं है और जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो गलत है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि डेफिनेटली तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सोचना चाहिए, इनको म्यूचुअली इस पे जो है कोऑपरेट करना चाहिए और जो मैकेनिज्म बनी है उसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट फाइल के अंदर हम बात करेंगे गोल्डन क्रेसेंट की, ठीक है। तो गोल्डन क्रेसेंट और इसके साथ में गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों की जो है साथ में बात होती है,
और बड़े जो है ना फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात होती है। तो गोल्डन क्रेसेंट इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल साउदर्न एंड वेस्टर्न एशिया। द स्पेस ओवरलैप्स थ्री नेशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से एक माउंटेन रेंज है, और माउंटेन रेंज जो है वो एक इस तरीके का एक अर्धचंद्राकार शेप बनाती है, इसी तरीके से इसको गोल्डन क्रेसेंट कहा गया। फॉर्मिंग ए मेजर चेन ऑफ ड्रग प्रोड्यूसर एंड सप्लाईज। ओपियम प्रोडक्शन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और खासकर इलीगल जो ओपियम प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। पर माउंटेनिश पेरिफेरी ऑफ दीज थ्री नेशंस डिफाइन द क्रेसेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्क रूट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सिल्क रूट ऑफ ड्रग्स के नाम से भी ये जाना जाता है। अफगानिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, प्रोड्यूसिंग ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ओपियम प्रोडक्शन, जो कि नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड का होता है। ठीक है, जो कि ज्यादातर जो है द मेजोरिटी ऑफ ओपियम प्रोड्यूस इन द अफगानिस्तान कम्स फ्रॉम कांदार एज वेल एज हेलमंड प्रोविंस। ठीक है, जहाँ पे लार्ज स्केल पे जो तालिबान होल्ड जो है वो लार्ज स्केल पे वहां पे इन प्रोविंस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब मैप के अंदर जो है गोल्डन क्रेसेंट यहाँ पे आपको दिखेगा, ये गोल्डन क्रेसेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कहाँ पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज का भी नाम आप जो है बिल्कुल सर्च कर सकते हो, ये देख लेना कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो माउंटेन रेंज के यहाँ पे उस माउंटेनियस एरिया के अंदर जो है ओपियम प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है, और उसी को जो है इसी को ही गोल्डन क्रेसेंट कहा है। और यहाँ पे जो है गोल्डन ट्राइंगल बताया गया। गोल्डन ट्राइंगल कहाँ पे आपको मिलेगा? बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये पूरा जो है ये पूरा रीजन भी जो है ओपियम प्रोडक्शन के अंदर सबसे आगे है। और दूसरे जो ओपियम प्रोडक्शन रीजन के अंदर आता है मैक्सिको और कोलंबिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली इलीगल ट्रेड और इलिसिट ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े फेमस रीजन है। तो एक तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, दूसरा जो है साउथ अमेरिका के अंदर है, कोलंबिया, मैक्सिको, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा एशिया के अंदर गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल, ये ओपियम प्रोडक्शन और इलीगल ट्रेड्स के लिए जो है हॉटस्पॉट रीजन के अंदर डेफिनेटली ये आते हैं। तो लास्ट एजेंडा के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास, कबीर, चैतन्य, नानक, तुलसीदास, नानक, चैतन्य, कबीर, तुलसीदास, और इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। तो डेफिनेटली आपको जो है इसका भक्ति मूवमेंट का कंप्लीट डिटेल लेंगे तो आपको जो है ऑर्डर भी पता हो जाएगा, और इनके जो वर्क है, इनका डिसाइपल है, और क्या इनकी टीचिंग्स थी वो भी आपको पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, द गोल्डन क्रेसेंट ओवरलैप थ्री नेशंस, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। द गोल्डन ट्राइंगल रेफर्स टू द एरिया वेयर द बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार मीट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रुआक एंड मेकोंग रिवर्स। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जज करना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट इन द 2+2 डायलॉग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, इनमें से सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर इसका डिस्कशन किया था, तो अब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे रिलेवेंट जो है एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 2016 के अंदर। डेफिनेटली आंसर जो है इस तरीके के क्वेश्चन के डायनेमिक आंसर्स होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाउ इंडिया रशिया रिलेशनशिप अफेक्टिंग यूएसए पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं यूएसए की पॉलिसी को, यूएसए की इंडिया की पॉलिसी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है दोनों यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है यूएसए, रशिया और इंडिया, ठीक है, वो आपको देखना है। पहला तो आपको यहाँ पे देखना है कि इंडिया का रशिया के साथ और यूएसए के साथ क्या रिलेशनशिप है, फिर यूएसए और रशिया का क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से इंडिया के रशिया के रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट आ रहा है यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपको फॉर्मेट करके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसको शेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम रिव्यू करके नेक्स्ट सेशन के अंदर डेफिनेटली डिटेल के अंदर डिस्कशन हम इसको करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल विद दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब आप करें बिल्कुल, आपको पता है कैसे करना है, मुझे तो ये बिल्कुल बताना भी नहीं आता कि कैसे उसको बेल आइकन एवरीथिंग यू नो ये स्पेसिफिकली मेंशन करना जो है जरूरी भी नहीं है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट आप जरूर करें। आंसर जो है आंसर लिखना बिल्कुल ना भूलें, आंसर जितना आप लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और उसको डेफिनेटली हम रिव्यू भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।